बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक एक्सटेंशंस टू मेंडेलियन एनालिसिस पे है। जैसे कि आप लोगों को से मैं लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ कि मेंडल ने कुछ लॉज वगैरह प्रोवाइड किए थे, कुछ उसके प्रिंसिपल्स वगैरह जो उसने डिस्क्राइब किए थे, उसके आउटकम जो थे उसके एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट की बेस पे थे, तो उनके ऊपर जो फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू हुई मॉडर्न वर्ल्ड में और डेकेड्स पहले तक जो भी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती रही जेनेटिक्स पे, तो कुछ उसमें वेरिएशन पाई गई, कुछ नई चीज़ें भी डिस्कवर हुई हैं। लेकिन वो जितनी भी डिस्कवरीज हैं वो मेंडेलियन एनालिसिस की एक्सटेंशंस हैं, उसी से आगे जाती है। मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट से वो बेसिस हैं सब चीज़ों के, आउटकम हैं, आने वाली जो डिस्कवरीज हैं उन सब के वो आउटकम हैं। सो इंट्रोडक्शन पे आते हैं। सबसे पहले यू सीन क्यूनेट, अ फ्रेंच साइंटिस्ट, वर्क एट यूनिवर्सिटी ऑफ नैंसी। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो एक्सटेंशन है मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स की उस पर। बेसिकली इसने अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे क्यूनेट ने कोट कलर इन माइसिस। जब वो कोट कलर इन माइसिस को स्टडी कर रहा था तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंगली एलील्स के बारे में डिस्कवरीज थी और जो रेशियोज वगैरह मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में अपने क्रॉसेस में बताई थी, उनमें वेरिएशन आना शुरू हुई। तो कोट कलर में उसे माइसिस जो मिलते थे वो येलो कलर थे और नॉन येलो कलर थे और कुछ डिफरेंट तरह के माइसिस थे। तो उसने एक लीथल येलो जीन डिस्कवर किया क्यूनेट ने, जो बिल्कुल वो रेशियोज प्रोड्यूस नहीं करता था जो मेंडल ने अपने प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी में प्रिडिक्ट की थी। सो ये एक वेरिएशन आने के बाद इसके ऊपर स्टडीज़ कंटिन्यू की गई कि ऐसा क्यों हुआ है कि ये रेशियो जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स में बताई थी उसके प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी में मौजूद हैं, उसमें ये वेरिएशन क्यों आना शुरू हुई। तो उससे एक्सपेरिमेंट जब कंटिन्यू किए गए, ल्यूसिन क्यूनेट रिपोर्टेड द लैक ऑफ एडेरेंस टू मेंडल्स रूल्स। उसमें कुछ उसने देखा कि जो उसने अपने रूल्स दिए थे उसमें कुछ कमी थी, वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं करते सब चीज़ों को। उसके एक्सपेरिमेंट आपको क्यूनेट का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उसने हेट्रोजाइगोट नॉन येलो जो था उसको क्रॉस करवाया आपस में उसकी F1 जनरेशन को, तो आने वाले माइसिस में जो रेशियो थी वो वेरी कर गई। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि डेड माइस है, प्योर येलो कलर का माइस प्रोड्यूस ना हुआ, तो उसकी बेसिस के ऊपर उसने अपनी थ्योरीज देना शुरू की, लीथल एलील्स वगैरह उसने डिस्कवर किए। इन डिस्कवरीज के साथ ये बात नहीं थी कि मेंडल रॉन्ग था, इट डजेंट मीन दैट मेंडल वॉज रॉन्ग, इट डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट मेंडल्स प्रिंसिपल आर नॉट सफिशेंट टू एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ ऑल जेनेटिक फैक्टर्स। तो उससे ये आउटकम ज़रूर मिलता है कि मेंडल के जो आउटकम्स थे वो रॉन्ग नहीं थे टोटली, लेकिन उसके जो प्रिंसिपल्स थे उसमें कुछ कमी थी, वो सफिशेंटली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे सारे के सारे जेनेटिक फैक्टर्स। उसमें ये डिफरेंसेस होने की वजह से ये नए जो डिस्कवरीज थी लीथल एलील की फार्म में जो रिपोर्ट की थी क्यूनेट ने, इस वजह से आ रही थी। तो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स आर द एक्सटेंशन ऑफ मेंडल्स बेसिक प्रिंसिपल। जैसे मैं पहले आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ कि जो जितनी भी मॉडर्न जेनेटिक्स है इस वक्त तक स्टडीज़ हैं वो सारी की सारी मेंडल के बेसिक प्रिंसिपल्स की बेस पे ही एक्सटेंड हुई हैं। अब उस बेसिस की वजह से जो एक्सटेंशन हैं उसमें वेरिएशन इन मेंडेलियन जेनेटिक्स जो आना शुरू हुई, जो वेरिएशन आती हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स से वो कौन कौन सी हैं वो मैं आप लोगों को सिर्फ एनलिस्ट करना चाहूँगा यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएशन इन डोमिनेंस, जो एक कॉन्सेप्ट था मेंडल का डोमिनेंस का, कैरेक्टर में कुछ ऐसे अलील मौजूद होते हैं जो हमेशा रिसेसिव को सप्रेस करते हैं, तो उसमें वेरिएशन आना शुरू हुई डोमिनेंस में। तो कंप्लीट डोमिनेंस एक कॉन्सेप्ट मौजूद था जो मेंडल के रूल को कम्प्लीटली फॉलो करता था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आ जाती है वाइल को डोमिनेंस। तो ये वेरिएशन है, तीन तरह की डोमिनेंस के करेक्टर्स मौजूद हैं। इन वेरिएशन डोमिनेंस की वेरिएशन के अलावा मल्टीपल अलील्स की डिस्कवरी, लीथल अलील्स की डिस्कवरी, ये वेरिएशन क्रिएट करती थी जो मेंडेलियन जेनेटिक्स थी उससे डिफरेंट चीज़ें थी जो आउटकम आना शुरू हुए मॉडर्न जेनेटिक्स में। इसके अलावा पैलियोट्रैफी की डिस्कवरी हुई, डिफरेंट टाइप की टर्मिनोलॉजी है जो मेंडल के रूल से टोटली डिफरेंट थी, एपिस्टेसिस और मॉडिफायर जीन, इस तरह की काफ़ी सारी जो टर्मिनोलॉजीज थी वो आना शुरू हुई। कई नई डिस्कवरी स्टार्ट हुई जो इनहेरिटेंस में नए से नए करेक्टर रखती थी, नए से नए फंक्शन थे जिसके इनहेरिटेंस में,
तो इन चीज़ों के आने की वजह से जो मेंडेलियन जेनेटिक्स थी उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आना शुरू हुई। दो के मेंडेलियन जो जेनेटिक्स थी, जो उसके बेसिक रूल्स थे, वो अभी भी एप्लीकेबल हैं, वो बेसिस हैं जेनेटिक्स की, उन्हीं की बेस के ऊपर ये फर्दर एक्सटेंशन की गई हैं। तो ये शॉर्ट सा एक हमारा डिस्कशन थी एक्सटेंशन जो थी मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स की। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।